कलकत्ता से एस्ट्रो के पी आर किशन राघानी, आपका अभिनंदन स्वागत। आज मैं आपको बता रहा हूँ जनवरी में पैदा हुए इंसानों की ज़िंदगी के बारे में। जनवरी के जातक इनका न्यूमेरिकल 1 होता है, ये बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, इनको ईगो और घमंड से भरपूर इंसान होते हैं। और क्योंकि सूर्य है, सूर्य प्रकाश में राजा समान चाल चलन और इनकी पैर उठाने की जो स्टाइल वो भी ऐसी होगी जैसे राजा चल रहे हैं। और आपसे बात करेंगे तो नज़र मिला के बात नहीं करेंगे और आपके ऊपर दबदबा डालने की कोशिश करते हुए दिखते हैं। और आप इनके मुखमंडल से ही इनका समर्थन करने के लिए मजबूर हो सकते हैं, ऐसे इनका प्रकाशमान मुखमंडल होता है। इनको इन चीज़ों से तकलीफ़ें भी होती है, ये जो घमंड और इनका जो बाहरी हावा है ना, इससे इनको तकलीफ़ें भी होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। इनके पिता से मतभेद हो सकता है, पिता की मृत्यु तक भी हो सकती है। जनवरी वालों की पहले पिता की मृत्यु जल्दी होती है और पिता की सेहत भी ख़राब होती है। और फिर इनको अपने पिता की जगह बैठकर परिस्थितियों से मजबूर होकर घर को चलाना पड़ता है, मैंने ये देखा है। ये काम के जुनून करने वाले, जुनून से काम करने वाले मजबूत इंसान होते हैं और अपने टारगेट के पीछे बहुत ही पागलपन से जाते हैं। और ये पसंद नहीं करते कि इन पर कोई अपना रौब झाड़े, दे विल नेवर लाइक समबडी इज़ ओवर कमिंग टू ऑन देम, नहीं वो बिल्कुल नहीं करेंगे। बे इंतहा अकड़ू होते हैं, आप इनको देखोगे ना तो आप भाई खुद ही इनके सामने परेशान हो जाओगे। इनको हम जो चीज़ सदा ये देते हैं कि भाई आप थोड़ा अपने आप को इस चीज़ में संभालो, अपने अहंकारी वर्ताव को संभालेंगे तभी आपकी परिस्थितियाँ आपके फेवर में होगी। ये क्या, मैंने देखा है मेरे पास जो भी हैं बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े अधिकारी, IAS IAS ऐसे मतलब बड़े पदों पर बैठे हुए इंसान परेशान हो के आते हैं, तो फिर हम इनको यही देते हैं कि भाई आप थोड़ा आराम से अपने ईगो को कंट्रोल करते हुए और दूसरे को सुनते हुए और दूसरे के नज़रिए को भी ध्यान रखते हुए चलेंगे तो आपको आगे जगह रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। और माना आप अपना अहंकार बदलोगे तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। क्या है, ये इनके ग्रह का तेज है, लेकिन अगर इनको हम बता दें तो वो कुछ इसको चेंज करके इसको इम्प्रूव कर जाते हैं। इनको शरीर है ना, आप या तो ऐसा होगा जैसे आप लोगों को यार भूखा पीड़ित है ऐसा पतला दुबला शरीर होगा, या तो ज़बरदस्त मोटा होगा, रिवर्स दोनों में से एक होगा। और वजन इनका बढ़ने वाला होगा तो इनको मैं सलाह देता हूँ कि नॉन वेज बिल्कुल ना खाएं। इसमें आप लोगों को सूरज के जो जातक हो ना, सबको वज़न कम हो ज़्यादा हो नॉन वेज कम खाना चाहिए। अगर आप नॉन वेज का ज़्यादा भाई सेवन करते हो तो आपको धीरे धीरे धन की गंभीर समस्याएं आना शुरू कर देती है, क्योंकि सूर्य निश्चल सनातन है, वो इन चीज़ों से दूर भागना चाहता है। आपको सुबह उठकर सूर्य आराधना करनी चाहिए, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम ब्रह्मस्वरूप श्रीमन सूर्य नारायण आय नमः, ऐसे करके उनको जल चढ़ाना चाहिए, उसमें पुष्प और सिंदूर डाल के इन पर चढ़ाओ और 3 बार नजरें नीचे करके और जो पानी की धार आती है ना उसमें जो ब्लू लाइट होती है उसको आप देखो, जितना आप उस ब्लू लाइट को देखते हुए ये मंत्र पढ़ोगे ओम सूर्य नमः ओम आदित्य जो मैंने कहा, इससे क्या आपका भाग्य उदय होगा, आपके पद राजनीति में बड़े पद पर आसीन हो जाओगे, मैंने ऑफिस में बड़े बड़े पद। और ये आप लोग होते भी ऐसे हो, यू आर ऑन द प्राइम पोस्ट एवरीवेयर,
वेट आई सी, माना किसी भी लेवल पे होंगे तो आप अहम हैं, ये तो आप मान के चलो। और सूर्य निकलने से आधा घंटा बाद आपको सूर्य के सामने चेयर लगा के अखबार वखबार पढ़नी चाहिए, इससे क्या आपके हड्डियों के रोग, आंखों की तकलीफें सब कम होती हैं। और आपको सूर्य अस्त होने के बाद खाना कम खाना चाहिए, माना अगर आप 7 बजे बाद खाना खाओगे ना तो आपको नौकरियों में परेशानी, नौकरी मिलने में परेशानी, आपके टारगेट्स पूरे होने में भी परेशानी आएगी, और आपको शाम को फल फ्रूट खाना चाहिए, भूख लगे तो फल फ्रूट खाओ भाई, जैसे तरबूज है, पपैया है, खरबूज है, ये सब चीज़ें, सेब, ये आपको खाने चाहिए। तो आपको क्या है, माइग्रेन की तकलीफ होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मीठा खाने का मन करे तो आपको गुड़ से बनी हुई चीकी या गुड़ खाना चाहिए, इससे आपको धन 4 गुना बढ़ेगा भाई। जैसे खाना खाया, मीठी चीकी गुड़ की थोड़ा टुकड़ा खा लिया, तो आप देखोगे आपके है ना स्टेटस ग्राफ और इनकम ग्राफ ऊपर चढ़ता जा रहा है। सूर्य मंगल माना राजा और सेनापति, गुड़ सेनापति है, तो ये आपका। आपको एक मैं सलाह देता हूँ, जनवरी की पैदाइश है आपकी, आप सबको अपनी लट से डरा कर रखते हो, इस चीज को थोड़ा आप रिकंसीडर कर लो। आपका चिड़चिड़ापन और इससे ना आपके आसपास का माहौल थोड़ा खराब होता हुआ दिखेगा। अगर आप इस चीज पे आ जाओगे ना तो आपके रिश्ते, आपके पिता, आपके दोस्त आपके करीब करीब आते दिखेंगे। थोड़ा खुद में स्वभाव की बदलाव करना है। राजा तो राजा ही रहेगा भाई, आपकी पोस्ट तो कम होगी नहीं, बट कीप अ स्माइल ऑन द फेस। ये आपको दुनिया के कई नुकसानों से बचा देगी, ये मुस्कुराहट। आशा है आज मैंने जो जनवरी के जातकों को सलाह दी है वो उसको मन में रखेंगे। ये उत्तम पुरुष हैं, सूर्य के जातक कोई कम नहीं होते हैं, ये बड़ी बड़ी पोस्टों पे होते हैं, एम्बेसडर, SP, DIG, नेता, माना अगर किसी कम ग्राफ में भी होंगे तो वहाँ उसका यूनियन का चीफ होगा, ऐसे होते हैं। थोड़ा आप अपने भाई स्वभाव को नम्र करें, सूर्य आराधना करें, दादा सुखी कर देंगे। आशा है आज का संज्ञान आपको पसंद आया होगा, दादा सुखी रखे। ऐसी कई चीज़ें मैं आपको आगे बताता रहूँगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए।